कहने को तो इस धरती पर इंसानों के साथ साथ लाखों करोड़ों जीव जानवर रहते हैं, लेकिन बात सिर्फ हमेशा इंसानों के बारे में की जाती है। और आज हाल ऐसा है कि हजारों जानवर पूरी तरह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। कई प्रजातियां ऐसी हैं जो इस धरती पर अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। इसी कड़ी में हाल ही में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ने प्रवासी मोनार्क तितली को रेड सूची में लुप्त प्राय घोषित कर दिया है। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं धे टीवी। ये मोनार्क तितलियां नारंगी रंग की होती हैं, जिन्हें आपने भी बचपन में खूब पकड़ने की कोशिश की होगी। इनकी पंखों की नसों में काली धारियां और किनारों पर सफेद छोटे छोटे धब्बे होते हैं। ये सभी तितली प्रजातियों से तेज उड़ने वाली और जहरीली तितलियां होती हैं, क्योंकि ये एक जहरीले पौधे यानी कि मिल्क वीट का सेवन करती हैं। मोनार्क बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम डेनोस प्लेक्सिपस है, जिसका मतलब है नींद में परिवर्तन। इन तितलियों का जीवन काल केवल 4 से 5 सप्ताह तक का होता है। मादा मोनार्क अन्य तितलियों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। मोनार्क तितलियां प्रवासी तितलियां होती हैं। ये भारत और विश्व के कई देशों में सामान्यता देखने को मिल जाती हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया और कनाडा से मध्य मैक्सिको के जंगलों में 1200 और 2800 मील या इससे अधिक दूरी की यात्रा करके ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत पहुंचती हैं। अब सवाल तो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर इनके लुप्त होने का कारण क्या है, तो आइए आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। इन तितलियों के लुप्त होने का कारण जलवायु परिवर्तन, आवास विनाश, जंगलों की कटाई, इनके प्रवास क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप, मिल्कवीट पौधों की कटाई, खेती में कीटनाशकों का छिड़काव, अवैध शिकार और जंगल में लगने वाली आग आदि पाया गया है। अब बात अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की करें, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN विश्व के देशों और उसके नागरिकों दोनों के लिए प्राकृतिक प्रजातियों को संरक्षित करने का एक साझा संघ है। इसकी स्थापना साल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के विलोपन और संरक्षण से संबंधित रेड लिस्ट जारी करता है। क्या होती है रेड लिस्ट, आइए ये भी जान लेते हैं। रेड लिस्ट दुनिया की सभी ज्ञात जैविक प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति को दर्शाने वाला सबसे बड़ा सूचना का स्रोत है। इससे सभी विलुप्त जीवों और पौधों की प्रजातियों की जानकारी ली जा सकती है। इसकी स्थापना साल 1964 में की गई थी। रेड लिस्ट की 8 श्रेणियां होती हैं। इनमें विलुप्त, वन विलुप्त, घोर संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, असुरक्षित, संकट निकट, संकट मुक्त, आंकड़ों का अभाव और अनाकलित श्रेणियां शामिल हैं। बता दें, हाल ही में भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लाल सिर वाला गिद्ध, जंगली उल्लू, चम्मच की चोच वाला टिटिहरी, जेडॉन्स करसर, चरस, हिमालयी बटेर, सोशिएबल लैपविंग और साइबेरियन क्रेन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त 10 पक्षी प्रजाति के रूप में घोषित कर दिया गया है। फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।